बहस के नंबर वन शो ताल ठोक के में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। आज हम बहस कर रहे हैं असम में जो हिमंता सरकार ने 1935 के मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून को रद्द किया है, यानी कि अब आने वाले दिनों में जो कानून है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सभी धर्मों के लिए उसी के तहत यहां पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से पंजीकरण किया जाएगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तराखंड के बाद असम में भी यूसीसी की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं? क्या अब असम में यूसीसी लागू होने का समय आ गया है? ये सवाल असम सरकार के एक फैसले के बाद उठ रहे हैं, जिसमें असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया है। 1935 से ये अधिनियम लगातार लागू था। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। उसमें लिखा, असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी, विवाह और तलाक मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे। उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था। पुराने नियम के रद्द हो जाने से अब असम में मुस्लिम धर्म से जुड़ी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में आ गई हैं और उनका सारा लेखा जोखा जिला प्रशासन के पास मौजूद रहेगा और कम उम्र में अब शादी संभव नहीं हो पाएगी। एक तरह से देखा जाए तो छोटी छोटी बच्चियों की शादी पर अगर रोक लगती है तो इसे सरकार का अच्छा फैसला माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। AIUDF के चीफ बद्रुद्दीन अजमल असम सरकार के कदम को ध्रुवीकरण वाली साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि असम में यूसीसी लागू करने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि मुस्लिमों की शादी कैसे होगी और जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। आरोपों की इस आग में समाजवादी पार्टी ने भी आहुति डाली। समाजवादी नेता ST हसन ने कहा कि चाहे जितने कानून बना लो, हम अपना कानून ही मानते रहेंगे। वार हुए तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया, कहा देश में अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। अब दोबारा वही सवाल, क्या असम में भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी हो रही है? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल अभी भी एक ही है कि अगर हम एकता की बात करते हैं तो एक देश एक विधान से क्या परेशानी, और अगर किसी कानून से महिलाओं और बच्चियों के हित सुरक्षित होते हैं तो इसको धर्म पर हमले से जोड़कर क्या देखा जाना ठीक है? ठोकेंगे हर एक सवाल पर ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो। क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पॉलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला UCC भी टोपी पहनाया है उसको। हिंदू मुसलमान एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं जो मुसलमान नहीं हो रहे। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। तो देखिए, असम के हिमंता सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उसको किस तरह से राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है शहजाद जी। मुफ्ती शामून कासमी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है SIMPLB के भी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल शहजाद पूनावाला आपसे कि क्या अब असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी है?
देखिए, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल कोड आना चाहिए। आज का ये जो कदम उठाया गया है ये तो बाल विवाह के खिलाफ है, ये तो बहुविवाह के खिलाफ है, ये उन कुरीतियों के खिलाफ है जिससे कि महिलाएं प्रताड़ित होती है। असम में विशाल जी डेटा देखिए, पिछले वर्ष एक क्रैकडाउन किया गया चाइल्ड मैरिजेस पर, और पूरे जो असम में है अगर आप देखें NFHS 5 के तहत तो असम में बहुत बाल विवाह होते हैं, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। हिंदू मुस्लिम जो भी करा रहा है उन पर क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद वार्निंग और अवेयरनेस की गई, उसके बाद भी अगर कोई एक कानूनी लूपहोल का इस्तेमाल करते हुए उसको करता रहे तो जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ कानून 2006 और पॉक्सो एक्ट 2012 का कानून, यूपीए के कानून, क्या उनको लागू नहीं करना चाहिए? तो उसकी दिशा में अगर कदम उठाया गया तो इसको एक समुदाय के खिलाफ देखना और कह देना कि इसमें भ्रांतियां फैलाना। मुझे बताइए अभी जो अभी पक्ष के लोग बैठे हैं, मुझे लगता है उनका नाम क्या है, पीएमएलबी के जो राशिद शरीफ साहब, मैं राशिद साहब से पूछना चाहता हूं, जरा मुझे उनके साथ विंडो पे लीजिए। राशिद साहब, एक 50 वर्ष का आदमी एक 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है? आपके हिसाब से अगर ऐसा हो, ऐसी स्थिति हो, तो क्या इसको आप सही मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, तो इसमें जुर्म सजा होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई पांडे नाम का व्यक्ति करता है तो पांडे नाम के व्यक्ति को जेल की सजा होगी। तो अगर पांडे के लिए कानून है ऐसा कि 50 वर्ष का आदमी 6 साल की बच्ची से नहीं कर सकता है, तो भाई पूनावाला के लिए भी होना चाहिए, पांडे और पूनावाला के लिए समान होना चाहिए ना। तो इसमें मुझे बताइए राशिद साहब, क्या आप बच्चियों के अधिकार के खिलाफ है? क्या छोटी छोटी बच्चियों को प्रेग्नेंट कर देना चाहिए, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उनके शरीर पर जख्म होना चाहिए, क्या आप ये चाहते हैं? क्या हम 7वीं शताब्दी में हैं? मैं राशिद शरीफ से सवाल है। तो राशिद शरीफ जी, अगर असम में 1935 के इस कानून को रद्द किया गया है तो इसे क्यों मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताई जा रही? भाई ये तो जो मुस्लिम बेटे बेटियां होंगी उनके लिए भी शिक्षा के रास्ते खुलेंगे, कम उम्र में शादियां नहीं होंगी, और जो शहजाद पूनावाला ने उदाहरण दिया आप कैसे देखते हैं? राशिद जी आवाज आ रही है मेरी? राशिद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे शहजाद भाई को सलाम करता हूं मैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे मेरे से, मगर ये जो जी सर मेरी आवाज आ रही? आ रही, आ रही, क्लियर है, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल सर, मैं शहजाद जी से यही बात करना चाहता हूँ, गलत प्रोपेगेंडा टीवी पे बैठ के आज के दौर में 2024 के दौर में 6 साल की बच्ची का विवाह किसके घर में हो रहा है? एक ना एक घर बता दीजिए, आप एक घर बता दीजिए जो 6 साल की बच्ची 50 साल का बच्चा, एक घर बता। जब हो रहा नहीं तो अपन उस बात पे डिस्कस करना क्यों? हो रहा नहीं वो कानून लाना क्यों? हो रहा नहीं ऐसे ये प्रोपेगेंडा टीवी पे गलत करना क्यों? मुसलमानों को टारगेट करना क्यों? आप ये बताइए, गलत चीज को आप टीवी पे बता रहे हैं। 6 साल की बच्ची किसकी बच्ची है? कौन नहीं चाह रहा पढ़ाना बच्चों को? आप मेरे को बताइए, मदरसे में तो सिर्फ 2% पढ़ते हैं भाई। राशिद जी आपने सवाल पूछा, राशिद जी मैं जवाब लेता हूँ, राशिद जी जवाब लेता हूँ क्योंकि और भी लोग हैं, मैं सबके पास जाऊंगा, जवाब दीजिए शहजाद जी। राशिद जी ने बोला हो रहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा हो रहा नहीं, तो अगर हो रहा नहीं तो कानून से डरते का है? और मैं आपको बता दूं 4000 FIR पिछले साल हुई है अंडर एज मैरिज की असम में, उन 4000 FIR में 8000 लोग लगभग जो है गिरफ्तार हुए, उसमें पर एक समुदाय विशेष ज्यादा था, उसमें ज्यादा हो रहा है तो पता किया गया, तो कानून का एक छोटे से पीछे का दरवाजा लेकर उसको मिसयूज किया गया, फिर अवेयरनेस क्रिएट की गई कि मत करिए ऐसी शादियां, बच्चियों की शादियां मत करवाइए, हम आपसे अपील करते हैं। जब नहीं सुनने रहे थे लोग तब ये कानून को लाना पड़ा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो कह रहे हो रहा नहीं, तो नहीं हो रहा तो होने दो कानून को लागू। अच्छा, आपको काहे फर्क पड़ रहा है, आप काहे चीख रहे हैं, इसका मतलब आप में हो रहा है, इसीलिए आप चाहते हैं कि ये चलता रहे और कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, वरना हो रहा नहीं तो आपको फर्क क्या पड़ रहा है? शहजाद जी ने अपना जवाब दिया। राशिद शरीफ जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि असम सरकार ने जो फैसला लिया है इससे तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? भाई आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सभी का पंजीकरण होगा, नाबालिग बच्चों की शादियां नहीं हो पाएंगी। विशाल जी ये आप इस कानून का आप इस कानून को निरस्त करने का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? भाई आपके टीवी पे नहीं सर, मैं आपके टीवी पे बोल रहा हूँ, इस तरीके के काम हो रहे नहीं, मगर ये मैं अगर नहीं हो रहे तब तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नजरिया
राशिद जी, विशाल जी, ये राशिद जी, मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, अलग होगी नजरिया अलग है। राशिद जी, मैं बहुत स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। असम की हिमंता सरकार ने 1935 के मुस्लिम असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को जो रद्द किया है, क्या यह सही कदम है या गलत कदम है? राशिद शरीफ एसआईएम पीएलबी के अध्यक्ष का क्या रुख है? मेरा यही रुख है सर, ये जो भी हो रहा है सिर्फ मुसलमान को टारगेट बनाने के लिए हो रहा, जब मेरे पास ये काम हो रहा ही नहीं तो इसकी राशिद जी जब नहीं हो रहा तो क्यों परेशान हो रहे हैं? कानून, अगर आप समान कानून के लिए, भाई हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं इस देश में, अगर समानता की बात हो रही तो परेशानी क्यों हो रही है कि आप चाहते हैं कि आपके लिए हमेशा अलग कानून बना रहे? सीए के आड़ में एनआरसी की चक्कर है ये सबको मालूम। अरे यार किसान की बात करो, जो दोबारा मैं सुन नहीं पाया, किसान की बात करो, युवा की बात करो। राशिद जी, राशिद जी, किसान की बात करो, युवा की बात करो, बाल विवाह को रोकने के लिए ये कानून निरस्त किया गया, इसमें सीए एनआरसी कहां से आ रहा है? बात असम के मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने को लेकर हो रही है। आपके पास जवाब नहीं है तो आप इसको किसान पर जोड़ रहे हैं, आप इसको सीए और एनआरसी पर जोड़ रहे हैं। आपके पास एक सही तर्क नहीं दिखाई दे रहा राशिद जी, कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? आप जो काम कर रहे हैं, जो आप इशू उठा रहे हैं, जो हच नहीं वो इशू उठा रहे हैं। राशिद जी, निरस्त हुआ है, एआईयूडीएफ के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, साजिश बता रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, 100% साजिश है सर। चलिए संगीत रागी, अच्छा शहजादी जल्दी से, फिर मैं संगीत रागी जो समूह कास्ट जी के पास जाऊंगा। शहजादी जल्दी से, राशिद जी ये राशिद जी सुन लीजिए, ये देश शरिया से चलेगा या संविधान से? ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में एक सेकंड सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, किसानों की चिंता है आपको, सुन लीजिए, संविधान से चलेगा। इसका मतलब यह है कि यदि पांडे जी के परिवार से किसी ने 50 इयर्स की उम्र के व्यक्ति ने 18 से कम की बच्ची से शादी की तो उनको सजा है होनी चाहिए। अब पूनावाला के परिवार से कोई करे तो उसको भी तो सजा होनी चाहिए ना। शरिया थोड़ी है, संविधान है। तो आपके लिए संविधान बड़ा, शरिया बड़ा, बताइए राशिद जी, ऑनेस्टली बता। चलिए राशिद जी जवाब दीजिए, फिर मैं संगीत रागी जी से सवाल लेता हूं। नहीं, मैं तो बिल्कुल संविधान को मानूंगा सर। तो फिर संविधान का काम है, एक अलग चीज है, संविधान अलग चीज है। संविधान इजाजत देता है मेरे को मेरे बच्ची से शादी करने की, रहने का संविधान इजाजत देता है मेरे को संविधान 6 साल की बच्ची से शादी करने की इजाजत नहीं देता। अगर मैं अरे यार जो चीज हो रही नहीं बार बार वही। चलिए चलिए राशिद जी और शहजाद जी, मैं फिर आऊंगा। संगीत रागी जी आपका क्या मानना है, जो असम में मुस्लिम विवाह यहां पर रद्द किया गया है तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को? देखिए, आसाम की सरकार बहुत बधाई के पात्र है। ये शरीयत लॉ भी जो है वो 1937 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोडिफाई किया था, और आसाम सरकार ने भी उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 का वो एक्ट लाया था। मुसलमानों को एक ढंग से उस समय जो है वो बाढ़ डोमिनेंट इलाका रहा था, इसलिए वो जो एसुएज करने के लिए, उनकी भावनाओं को करने के लिए मौलानाओं के दबाव में और राजनीतिक दबाव में वो कानून लाया गया था। वो एक ऐसा कानून है जो मध्ययुगीन कानून को मध्ययुगीन मान्यताओं के साथ खड़ी है जी। आधुनिक समाज के लिए वैसे कानून की जरूरत नहीं रह गई है, और मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं, शहजाद पूनावाला ने बहुत आसानी से, मुझे लगता है एक चौथे क्लास का बच्चा भी उनकी बातों से उसे क्या कह सकते हैं कि एग्री करेगा कि जो बातें उन्होंने रखी है बहुत स्पष्टता के साथ रखी है कि 6 साल के बच्चियों के साथ हम बहुत जानते हैं कि शेख और मौलानाएं जो है वो शादी करा देते हैं, मौला शेख काद करके ऐसी ऐसी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वो लेव करके भी जाते हैं, फिर मंडियों में उनको बेच दिया जाता है। ऐसी बहुत सारे केसेज आए हैं, और वाकई यदि ऐसे नहीं केसेज हैं तो मुस्लिम समाज को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को प्रचारित करना कि ऐसे कानून जो हैं ये तो एक छोटी छोटी बच्चियों के उनके कौमार्य को बचाने के लिए है, उनके इनोशंस को, जिस समय बच्चियां स्कूल में होनी चाहिए
उस समय ऐसे ऐसे लोगों के से बचाने की है। इसलिए इसको यदि कहा जाए या प्रचार किया जाए कि ये इस्लाम के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये बड़ा ही बहुत ही गंदा है। मुझे तो लगता है पूरे देश में ये कानून यदि इस प्रकार का है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लीगल प्रोविजन की जानकारी नहीं है, लेकिन आसाम सरकार ने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अन्य कानून भी जो मध्ययुगीन मान्यताओं को देता है उनके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि देश के एक हिस्से को लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो यही सही। लेकिन असगर अली वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असगर अली जी, आप तो संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं। असम सरकार का ये जो फैसला है ये एक तरह से बराबरी, समानता और जो नाबालिग बच्चे हैं उनको एक तरह से बचाने का, एक तरह से ये कानून निरस्त करने का फैसला कहा जा सकता है, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देश तो संविधान से ही चलेगा ना? नहीं, बात तो ठीक है, देश संविधान से चलेगा। जैसे इसको भी शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही दायरे में रखा जा रहा है, और इससे पहले भी ये सारी चीज़ें होती रही हैं। बार बार हमने तो खुद कहा, इससे पहले आपने बहुत बार डिबेट करी है, हमने बार बार यही बात कही है कि भाई जो है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लाया गया कि किसी एक उत्तराखंड में कहीं ले आते हैं, कहीं किसी दूसरी स्टेट में ले आते हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत है कि आप सेंटर से बात करें, सेंटर हर चीज़ को डिसाइड करे। ये बताइए, क्या मुल्क ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, क्या ये सब अलग अलग स्टेट तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये मुल्क है अपने आप में अलग अलग? ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं है? अगर सब हिंदुस्तान में शामिल हैं तो सेंटर को एक कानून बनाना चाहिए और उसका ड्राफ्ट पहले देना चाहिए। होता यह है कि किसी कानून का ऐलान कर देते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, उसका कोई ड्राफ्ट देते, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इतनी ज़्यादा बात हो रही है, इतनी डिबेट्स हो रही है, इतना शोर मच रहा है, इतनी साजिशें हो रही हैं, उसके बावजूद उसका ड्राफ्ट नहीं देते और देंगे भी नहीं आसानी से, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है सबके लिए। सबके अपने 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 धर्म हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीक़ाकार हैं मानने के। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है जिसको हम फूलों का गुलदस्ता कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे सब तरह से हर स्टेट से अपने अपनी उसको मानने वाले लोग और सब मिलजुल के रहते हैं, सब अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं, सब मुल्क से प्यार करते हैं। तो वो सेंटर को चाहिए कि सेंटर एक पूरे मुल्क के लिए बनाए कानून लाए, सामने कानून बनाना चाहिए। मैं एक लाइन में आपसे जानना चाह रहा हूँ, असम सरकार के इस फैसले का, कैबिनेट के फैसले का आप स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? असगर अली जी, अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं विरोध करते हैं या साथ दे रहे हैं? इसको स्वागत कर रहा हूं, मैं अप्रिशिएट नहीं करता, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। हम इसके खिलाफ हैं, अपने अपने ऐसे ऐसे कानून बना ले। चलिए चलिए असगर अली, आप इसके खिलाफ हैं? देखिए, मैं इस पर आपसे आगे भी सवाल लूंगा, फिर हम बात करेंगे। शहजाद पूनावाला से मैं एक सवाल लेता हूं। शहजाद पूनावाला, असगर अली ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एक कानून क्यों नहीं बना देती है पूरे देश भर के लिए, अलग अलग राज्य क्यों बना रहे हैं? असगर जी की एक ही वाक्य में विरोधाभासी बातें सुनी अभी, उन्होंने कहा हम गुलदस्ता है, हम अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग विचार है, और फिर कहते हैं केंद्र का एक कानून क्यों नहीं है। और केंद्र के कानून के विषय में सुन लीजिए असगर जी, टेक्निकल पॉइंट और पॉलिटिकल पॉइंट। टेक्निकल पॉइंट ये है, प्लीज सर, असगर जी मैं जानता हूं आप बीच में हस्तक्षेप करते हैं, देखिए अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी में असगर जी अपनी बारी में बोलिए, अच्छा लगेगा। भाई कैसे हो शहजाद जी, अपनी बात पूरी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप इत्मीनान से बोलिए, पर बीच में मत बोलिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी जो आता है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मतलब अपने अपने स्टेट में इसमें लाने की अनुमति है। फिर भी केंद्र के लिए कोई लाना है, इसके लिए लॉ कमीशन बैठाई गई और लॉ कमीशन ने 10 लाख से ज्यादा ओपिनियन लिए हैं। इसमें आप भी जाकर ओपिनियन दे सकते हैं, आज भी चल रहा है वो, जब सारे ओपिनियन आ जाएंगे संकलित करके दे देगी लॉ कमीशन, उसके बाद केंद्रीय स्तर पर भी विचार किया जा सकता है। परंतु स्टेट में उत्तराखंड की सरकार ने पूछा पहले लोगों से, उनको मैंडेट मिला, फिर कमिटी बिठाई, फिर चर्चाएं हुई, फिर उसके बाद ड्राफ्ट आया। और दूसरी बात, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं असगर जी, लास्ट सवाल पूछने दीजिए। असगर जी, आप यूसीसी के विरोध में आज बोलते हैं, क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म है ना, क्या पांडे जी के लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून है क्या चोरी करने पर? तो वहां पर क्रिमिनल कोड ठीक चलेगा यूनिफॉर्म पर, अगर सिविल कानून यूनिफॉर्म हो जाए तो पेट में मरोड़ आती है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि महिलाओं को अधिकार मिले। असगर जी जवाब दीजिए, असगर जी जवाब दीजिए, सिविल कोड पर ऐतराज है यूनिफॉर्म होने पे, लेकिन क्रिमिनल कोड पे नहीं? ये ऐसी बात कर रहे हैं,
जो जिस कानून की बात कर रहे हैं क्रिमिनल कानून की, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। अगर थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें, ये धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, वो और तौर तरीके से जुड़ी हुई बातें हैं। अपने अपने, मैं आज कहता हूं अभी अभी आप खुद ना लाए हैं ना लेके आएंगे सेंटर, कहीं पे आप कहते हैं सब यहाँ नकाब होना नहीं चाहिए। आप अपनी स्टेट में राजस्थान में तमाम औरतों को नकाब पहना के बाहर निकालते हैं, तमाम चीजें। असगर जी, असगर जी, सुनिए असगर जी, एक एक सवाल, एक छोटा सा साजिश है, साजिश है और वोटों की राजनीति है। असगर जी, एक छोटा सवाल, एक छोटा इंटरवेंशन, सबको मालूम है। असगर जी, एक छोटा इंटरवेंशन, छोटा इंटरवेंशन। इस्लाम में बताइए, इस्लाम में अगर कोई मुस्लिम, अगर अब मुस्लिम कानून से चले, चोरी करने की सजा तो हाथ काटना है, पर इस देश में तो हाथ काटने की सजा नहीं है। मतलब क्रिमिनल कानून एक ही है, पांडे जी करे, पूनावाला जी चोरी करे, हम दोनों के हाथ नहीं कटेंगे, हम लोग सजा लेंगे आईपीसी में। अब बताइए कि क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म ठीक, क्योंकि वहां पर हाथ काटने का डर है, पर सिविल कोड में नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर महिलाओं का शोषण करना है, वहां पर महिलाओं का शोषण करना है। यह आपकी सोच है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। असगर जी समझाइए, आप क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, यहाँ ये धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप कहते हो कि साहब निकानी, आप क्या चाहते हो कि आप मुसलमान हो पूनावाला जी, आप फेरे लोगे या आप निकाह पढ़ोगे, बताइए। कौन रोक रहा है निकाह पढ़ने से? पहले अपना ड्राफ्ट तो क्लियर करो। आप निकाह पढ़ने से किसने रोका? बिल्कुल, तो फिर मैं कहता हूं, निकाह पढ़ने से किसने रोका? आपको नमाज पढ़ने से किसने रोका? अरे भाई, आपको टोपी लगा के इफ्तार रखने से किसने रोका? यूनिफॉर्म आप किसको? आपको अल्लाह अकबर कहने से किसने रोका? बताइए, कहां लिखा है? हेमंता जी ने डिक्लेयर किया क्या ऑर्डर? आप जानबूझ के ड्राफ्ट नहीं ला रहे हैं, चूंकि सारी चीजें क्लियर हो, तो ड्राफ्ट देखा नहीं तो परेशान किस बात से? ड्राफ्ट देखा नहीं तो परेशान किस बात से? अरे भाई, तो फिर परेशान तो ड्राफ्ट देखा नहीं तो परेशान किस बात से कि निकाह का अधिकार ले लिया? परेशान है हम? आपने बोला निकाह का अधिकार ले लिया, कहां लिया? हम परेशान नहीं, ड्राफ्ट का है कि निकाह का अधिकार ले लिया? नहीं है, परेशान आप है। चलिए चलिए असगर अली जी, शहजाद पूनावाला जी, और विपिन बापू का विरोधाभास देखा आपने? मैं आगे कुछ सवाल आप दोनों लोगों से लूंगा। शमून कासमी जी और डॉक्टर भालचंद्र कांगड़े भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असगर साहब मैं आऊंगा आप लोगों को मैंने बहुत मौका दिया दोनों लोगों को। शमून कासमी जी और भालचंद्र कांगड़े जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भालचंद्र कांगड़े जी, इस फैसले का आप स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, इसमें स्वागत और विरोध की बात नहीं है, इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, पहले तो मुझे आप इस बात की जानकारी दीजिए, आप विरोध करते हैं या स्वागत करते हैं? टाइमिंग पर मैं आपसे पूरी जानकारी लूंगा। मैं इसका इस टाइमिंग का विरोध करता हूं, और इसमें साजिश स्पष्ट है कि इलेक्शन को सामने रखे हुए ये कानून बनाया गया है। तो क्या कानून निरस्त करना सही है? आप टाइमिंग पर सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। क्या 1935 का जो मुस्लिम विवाह, क्यों नहीं उठाना चाहिए भाई? नहीं नहीं, आप उठाइए, मुझे आप ही बताइए, क्या कानून निरस्त करना सही है या गलत है? कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करता था, इस देश की एकता का विरोध करता था वो, आप बाल विवाह के खिलाफ देश के लोगों के अंदर गड़बड़ करने के लिए एक साजिश का खेल खेल रहा है। भालचंद्र कांगड़े जी, कैसी साजिश है? भालचंद्र जी, आप सीपीआई के नेता है और ऐसा माना जाता है, मुझे तो पता नहीं है कि भाई 5 साल किसने रोका था? भालचंद जी, एक सेकंड, भालचंद जी, आप सीपीआई के नेता हैं, ऐसा माना जाता है, हालांकि मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं रहा हूं, कि लेफ्ट के लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं, ऐसा लोग धारणा बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई है, ऐसी धारणा रहती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 1935 का कानून निरस्त किया गया है, इसका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आप टाइमिंग पर सवाल उठाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, देखिए, कोई भी चीज जो है विदाउट रेफरेंस नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, जो 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 बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, आप बताइए, बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? इनकी सरकार, देखिए, बाल विवाह पर रोक है हिंदुस्तान में, लेकिन मैं इस पे संगीत रागी और शहजाद पूनावाला से भी जवाब लूंगा, लेकिन असम के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि एक तरह से जो 18 और 21 साल का प्रावधान है उसी के तहत सभी धर्म के लोग आए शादी के मामले में। अरे लेकिन अगर कानून में ये कहा है कि 18 साल के नीचे बच्ची का शादी नहीं हो सकता, तो आप केस कीजिए ना उनके ऊपर। आपको किसने रोका है? क्रिमिनल ऑफेंस है ना वो, आपको रोका है क्या? आपके एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉम्पिटेंट है केस करने में लिए, उसके लिए आप कानून बना के कोई खेल खेल रहे हो इलेक्शन के पहले। भालचंद कांगड़े जी, देखिए, जब सुधार की बात आती है और आप जैसे नेता अगर इस बात का विरोध करें, तो ये अपने आप में कैसे समाज में सुधार आएगा? कैसे हम आपको प्रोग्रेसिव माने?
जिस जिस पार्टी ने के नेता जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज में जाकर, कैसे वो अपनी बात पर टिके रहेंगे? क्या यही समाज सुधार की बात आप करते हैं? अगर बाल विवाह रोकने की ये तैयारी है तो क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे? विरोधाभास। मेरे को बोलने दीजिए, सीधी बात ऐसी है कि भाई इस देश में सभी को एक ही कानून लागू होना चाहिए, इसके बारे में हमारी पार्टी की राय है। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि कोई भी चीज लोगों को साथ में लेकर जाने की बात है, लोगों को डिवाइड करके नहीं है, जबरदस्ती करने की नहीं है। और जबरदस्ती साहब को इस डिबेट में जोड़ता हूं है तो उसका मकसद नहीं। मुफ्ती शामून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। शामून कासमी साहब, देरी से आने के लिए मैं माफी चाहूंगा सबसे पहले, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर भालचंद्र कांगो जी ने, असगर अली जी ने, राशिद शरीफ जी ने इस कानून के निरस्त करने का विरोध किया है, क्या कोई साजिश है ये मुसलमानों के खिलाफ? कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी यूसीसी लेकर के आए हैं, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ना किसी धर्म के ख़िलाफ़ है। वो एक ऐसा कानून है जो सिमिलरिटी लाएगा, भाईचारा लाएगा और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकेगा। मैं कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ चैलेंज के साथ इनसे कि तीन तलाक इस्लाम का सबसे नापसंदीदा जो है वो अमल है। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद अगर कोई है तो तलाक है। इसी तरह से ये हलाला जो ये प्रथा ही नहीं थी, ये तो कुप्रथा थी। उसका सिर्फ ये कंसेप्ट था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया या उसने तलाक ले लिया, उसने कहीं और निकाह कर लिया, तो वो अगर वो भी वो फौत हो जाए या डेथ हो जाए या वो छोड़ दे तो फिर से वो उसके निकाह में जा सकती है। सिर्फ इतना प्रावधान था, इन्होंने उसका मिसयूज किया। इसी तरह से जो जितने भी प्रावधान यूसीसी के अंदर हैं या आसाम गवर्नमेंट लाना चाह रही है, मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य है। इससे कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा और ये लोग इस्लाम की जानकारी इन्हें नहीं है। इस्लाम का नाम लेकर के जो लोग बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और मैं चैलेंज के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि बताइए, इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा क्या बहुविवाह है? क्या इस्लाम का हिस्सा जो है तीन तलाक है? या इसी तरह से जितनी भी कुप्रथाएं आई हैं उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम तो सिमिलरिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है, बराबरी की बात करता है। चलिए, मैं शमून कासमी जी, आपने तीन बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए, मैं इसका सीधा जवाब असगर अली खान से लेता हूं। असगर अली खान साहब, आपने सुना यहां पर शामून कासमी जी को, मैं चाहता हूं आप जवाब दीजिए, क्या बहुविवाह, तीन तलाक और जो अन्य कुप्रथा है इसको इस्लाम अनुमति देता है? ये सवाल पूछा शामून कासमी जी ने। कुप्रथा, मैं पहले तो मैं कुप्रथा का मतलब ही नहीं समझा। कुप्रथा किसे कहते हैं? एक सेकंड, मैं इस्लाम में, एक सेकंड असगर जी, एक सेकंड, मैं एक सेकंड, क्योंकि डिबेट बहुत सार्थक तभी होगी। शामून कासमी जी, आप कुप्रथा का मतलब पहले असगर अली जी को समझा दीजिए ताकि क्लैरिटी रहे। इनसे पूछिए कि अगर ये अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद फिर किसी और से निकाह करा के अपने उसमें लाएंगे, ये कुप्रथा है? अगर ये अपनी पत्नी को छोड़ते हैं निकाह उसे और उसके बाद किसी और से निकाह करते हैं, उसे हलाला कुप्रथा कहते हैं? क्या ये ऐसा करेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग ये वावेला मचा रहे हैं, ये इस्लाम की जानकारी नहीं रखते हैं। चलिए चलिए, असगर अली जी जवाब दीजिए, शामून कासमी जी मैं जवाब लेता हूं। अगर ये कह सकता हूं कि हमारी सरकारें, अगर सरकार सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। शामून जी अब जवाब ले लेते हैं, असगर अली जी जवाब दीजिए, फिर मैं शहजादी संगीत रागी जो राशिद शरीफ जी के पास जाऊंगा। असगर जी आपका पहले 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 तो मैं इनको, चूंकि इन्होंने मेरा नाम लेके बात कही है, मैं इसलिए इनको बता दूं कासमी साहब को कि अगर ये कभी अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को तलाक दिलवाएं तो मैं हाजिर करता हूं अपने आप को, मुझसे शादी करके फिर मैं वापस। देखिए देखिए, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, मैं शामून कासमी जी और असगर अली जी दोनों लोगों को, इन्होंने नहीं नहीं पर्सनल नहीं, नाम लेकर आप इसलिए मैंने नाम, आप मुद्दे पर रहिए, नाम लेके न्यूज़ यहां पर किसी के विचारों का समर्थन नहीं करता है। जब इन्होंने कहा तो मैंने, अब मैंने जवाब दे दिया, मुद्दे पर आइए फिर मैं आपके पास आता हूं। मैंने जवाब दे दिया, असगर जी आप मुद्दे पर आइए, जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं इन्हें। इस्लाम में देखिए, इस्लाम में आपको इस्लाम में ये नाजायज होगा। अरे सुन लीजिए, अरे कासमी साहब, नाम लेके बात नहीं करनी चाहिए, करते हैं तो नाम लेके बात, अरे अरे नहीं नहीं, अरे असगर जी नहीं है नाजायज, जैसे जो इस्लाम में है, जानकारी जो इस्लाम में, जो इस्लाम में है, जो इस्लाम में है, छोटे से आप छोटे से फायदे के लिए नुकसान कर रहे हो इस्लाम का। अरे साहब जी, इस्लाम में बड़ा आप इस्लाम का नुकसान कर रहे हो। अरे दाई,
आप इस्लाम को बता रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम इस्लाम को पढ़ो पहले, इस्लाम में है वो है। मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये हलाला कुफ्रता जो है आप नहीं है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे चैलेंज के साथ, कह रहा हूँ आपसे इस्लाम में जो है सब इस्लाम, क्या कह रहा हूँ मैं चैलेंज आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप बताइए जो है आइए कहिए, मैं चैलेंज उसको ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता गैर इस्लामिक बात करते हो, बहुत बड़ा है बहुत कम है, क्या हलाला है, हलाला कोई कुछ नहीं, हलाला पड़ता है, अरे हलाला पड़ता है, बताओ हलाला पड़ता है क्या आप, मैं पूछ रहा हूँ आप हलाला है, कोई आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे के फिर से दूसरे से करा के वो, चलिए देखिए देखिए आप लोग बहस को दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर रोकता हूँ, मैं रोकता हूँ, आप कैसे वकील, देखिए देखिए मुद्दों पर रहना चाहिए। शहजाद पूनावाला जी, इस्लाम में आप इस्लाम, चलिए असगर अली जी, शमून कासमी जी, मैं फिर आऊंगा, और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, वो है देखिए, मैं देखिए सार्थक चर्चा हो रही है, मैं आता हूं असगर साहब, असगर साहब कृपया करके, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं 30 सेकंड में समाप्त करूंगा, प्रॉमिस है। कांगो जी ने कहा तीन चीजें, एकता खंडित होगी, ये साजिश है, बाल विवाह पे पहले से रोक है, और क्या आप इनकॉम्पिटेंट हो, तीनों का एक एक वाक्य में जवाब। एकता खंडित होगी तो यूसीसी की पैरवी संविधान बनाते वक्त की गई थी, अंबेडकर जी ने की और संविधान सभा ने इसको डाला, और उसके बाद यूसीसी की वकालत आज के चीफ जस्टिस के पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में की और कई हाई कोर्ट ने की, क्या खंडित करना चाहते, गोवा में पहले से लागू। दूसरी बात, इन्होंने कहा बाल विवाह पे पहले से रोक, तो पहले से रोक है तो सब पे रोक लगेगी, तो इसमें किसी को बैकडोर धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा। तीसरी बात, इनकॉम्पिटेंट, हमने 4000 लोगों के ऊपर एफआईआर पिछली बार की थी, पर यह सामाजिक कुरीति है, इस पर कितना दंड देंगे, तो किसी तरीके से रोकने पर। एक सवाल अभी इस्लाम की बात असगर जी ने की, असगर जी 10 सेकंड आपसे सवाल, आपने क्योंकि इस्लाम का मुद्दा छेड़ा, असगर जी आपका फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, अगर है तो इंटरेस्ट लेना इस्लाम के खिलाफ है, शरिया के अनुसार टीवी पे आना खिलाफ है, गलत है, तो इस्लाम को तोड़ते हुए आप शरिया को ना मानते हुए टीवी पे भी आ रहे और बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट भी ले रहे, वाह भाई आप तो बड़ा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं भाई साहब। आप बताइए आपका डिपॉजिट है या नहीं, हम नहीं ले रहे, अच्छा जी आप, अच्छा तो फिर टीवी पे कहां आ रहे, टीवी तो हराम माना जाता है शरिया में, वो शरिया में टीवी हराम है, लोगों को दे देते इंटरेस्ट, शरिया में टीवी हराम है कि नहीं है बताइए, हम इंटरेस्ट नहीं लेते, आप जैसे शरिया में टीवी हराम है कि नहीं है बताइए, नहीं लेते इंटरेस्ट, तो सारे मुस्लिम अपने अकाउंट बंद कर दे, बहुत लोग हैं सारे मुस्लिम अकाउंट बंद कर दे, माने अगर नहीं आएंगे, अगर असगर जी, असगर जी करे मुस्लिम या ना करे, असगर जी एक सेकंड, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, असगर जी 10 सेकंड, मैं नहीं लेता इंटरेस्ट, अच्छा 10 सेकंड, आप 10 सेकंड सुनिए ना, 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड मैं 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड सुनिए ना, आप पे नहीं बोल रहा हूं, आप ये कहिए कि सारे मुस्लिम अपने अकाउंट बंद कर दें, क्योंकि अकाउंट है तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट लेना शरिया के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से गुनाह है, सारे मुस्लिम इंटरेस्ट ना ले, अकाउंट क्यों बंद कर दें, अजी अकाउंट क्यों बंद कर दें भाई, सारे अच्छा, मुस्लिम इंटरेस्ट ना ले, अच्छा तो मुझे बताओ शरिया, शरिया के हिसाब से टीवी पे आना सही है कि गलत है, आपका मुझे शरिया के हिसाब से टीवी पे आना गलत है सही है, आप लेते होंगे, आप बताइए शरिया के हिसाब से टीवी पे आना सही है गलत है, आप बताइए आप गलत है, लेते नहीं लेते पहले ये बताइए, शरिया के हिसाब से गलत है बताइए, मैं तो लेता हूँ, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होता है, बिल्कुल होता है, अब बताइए कि शरिया के हिसाब से टीवी पे आना सही गलत है, आप इंटरेस्ट खाते हैं, इंटरेस्ट खाते नहीं है, इंटरेस्ट जमा होता है आपके भी अकाउंट में होता है, आपके पास अकाउंट नहीं है क्या? होता है, खाते तो होंगे, चलिए चलिए देखिए देखिए ये डिबेट डिबेट बहुत पर्सनल नहीं होनी है, हम एक सामाजिक कुरीति के खिलाफ इस मुद्दे पर यहाँ सार्थक बहस कर रहे हैं, अगर सामाजिक मुद्दे पर ही हम लोग केंद्रित रहेंगे तो बेहतर रहेगा। संगीत रागी जी और राशिद शरीफ जी को मैं इस डिबेट में जोड़ना चाहता हूँ, संगीत रागी जी अगर सामाजिक कुरीति के खिलाफ जो तमाम कुप्रथाएं हैं उसके खिलाफ कोई भी सरकार फैसला करती है, चाहे वो बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, तो आखिरकार अगर कुप्रथा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं असगर अली जी, राशिद शरीफ जी और कांगो जी तीनों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, असम की हिमंता सरकार ने जो फैसला किया है। देखिए ये चूंकि इसलिए विरोध करते हैं कि सब चीजें चूंकि मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जो मध्ययुगीन है, मध्ययुगीन समाज में जो प्रचलन था वो हो सकता है उस समय जायज रहा होगा, उस समय की परिस्थितियां अलग रही होंगी, आज की परिस्थितियों में आधुनिक युग में वो परिस्थितियां कुप्रथा बहुत ही घटिया है और उसके नहीं जारी होना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए ये मुसलमान ये
इलेक्शन का समय आ रहा है तो ये अच्छी बात है ना। इलेक्शन के समय में जनता तय कर लेगी कि असम की सरकार ने जो नीतियां बनाई वो ठीक बनाई या गलत बनाई, ये तो जनता की मुहर होनी चाहिए। इस पर तो असदुद्दीन ओवैसी का वोट न चलेगा न संगीत रागी का वोट चलेगा। संगीत रागी का वोट यहाँ पर नहीं है। आसाम की जनता तय करेगी कि असम की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है या नहीं, वो देश हित में है या नहीं। बेशक वो डिबेट का हिस्सा बन जाए आसाम के चुनाव में, क्या फर्क पड़ता है, वो पढ़ने दीजिए। वैसे ही हलाला जैसी चीजें जो है वो एक बहुत ही घटिया कुप्रथा है और मुस्लिम समाज के बड़े बड़े विद्वान इसे मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो रेडिकलिस्ट हैं, जो जिन्ना की राह पर चल पड़े हैं, उनके लिए ये तड़का जैसा होता है। उनको लगता है कि भोले भाले मुसलमानों को हम समझा लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि मुस्लिम समाज कुरान को पढ़ता नहीं है, लेकिन ये मौलाना उनको बहला करके गलत इस्लाम की व्याख्या करके उनको गलत रास्ते पर लेकर के चले जाते हैं। यही कारण है कि उनको आतंकवाद की राह में तो गलत व्याख्या करके ही तो झोंक रहे हैं, गलत व्याख्या करके ही तो दूसरों को काफिर की गलत परिभाषा करते हैं। और समाज को एक 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 इस्लाम तो यदि पवित्रता का धर्म है, शांति का धर्म है, तो इस प्रकार की बातें तो आनी ही नहीं चाहिए। राशिद शरीफ जी, सबको इस सद्भाव से, ये फूलों का गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता एक तरफा तो नहीं हो सकता। राशिद शरीफ जी जवाब दीजिए भाई, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, कुप्रथा है, उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आप इसे कहां वोट बैंक और राजनीति और चुनाव के चश्मे से देख रहे हैं? बिल्कुल सर, रागी जी अभी जो बताए हैं, मुसलमानों को है सो आतंकवाद की तरफ बढ़ाते हैं मुसलमान, ये सब बड़े इल्जाम लगाना छोड़ दिए सर। कहाँ है आतंकवाद, किधर है, किधर है आतंकवाद बताइए, मुसलमानों में किधर है आतंकवाद? ये सर, ये हेमंत बिस्वा साहब जो आसाम में लगा है, ये हम है सो शुरू से जब से ये बैठे मुसलमानों के खिलाफ है, मदरसों के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ। अगर इनो आसाम में यूसीसी की बात करते हैं तो मुसलमान गलत नजरिए से देखता है उनको गलत नजर, उनकी सोच गलत है मुसलमानों के तरफ से, मदरसों के तरफ से गलत सोच है, मस्जिद के तरफ से गलत सोच है। तो वैसा आदमी अगर यूसीसी आसाम में लाएंगा तो शक्की नजर से बराबर हर मुसलमान हर हिंदू देखेगा। देखिए राशिद शरीफ जी, मैं आपको एक बार साफ कर देता हूँ, संगीत रागी जी ने किसी भी मुस्लिम को आतंकवादी नहीं बोला है, ये आप अपनी तरफ से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर भी संगीत रागी जी को मौका देता हूं, फिर शहजाद पूनावाला और शमून कासमी, असगर अली, इन सब के पास जाऊंगा। संगीत जी, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लगाया, मैं आपका एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। नहीं देखिए, उनके लिए आरोप लगाना बहुत आसान है, टेलीविजन पे बोलना ही तो है। मैंने तो यही तो कहा, गलत व्याख्या करके समाज को गलत दिशा में ले जाकर के आतंकवाद के कुप्रथाओं को मोड़ की तरफ ले जाने का काम जो है मौलानाओं ने ही किया है। और अभी समीम कासमी जी ठीक कह रहे थे, जो चीज़ें, जो समय, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो युगातीत तो होती हैं, हर समाज में हर समय के लिए वो लाभकारी होती है। ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए, और जो समाज काल बाह्य हो जाती है, जो समय के साथ उनकी उपयोगिता नहीं रह जाती है, ऐसी चीज़ों को छोड़ करके रहना। अब 6 साल की बच्ची के साथ 50 साल का आदमी स्वागत किया तो ये कुप्रथा ही तो है। शादी की उम्र भारत के समाज में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए समान होना चाहिए। शहजाद पूनावाला और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर भालचंद कांगो जुड़े हुए। शहजाद पूनावाला, कुछ कहना? 15-20 सेकंड लूंगा, 15-20 सेकंड लूंगा, 15-20 सेकंड राशिद जी, 15-20 सेकंड लूंगा। आराम से पानी पी रहे हैं अभी तो राशिद जी। 15-20 सेकंड। राशिद जी ने कहा कि हेमंता बिस्वा सरमा मदरसों के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने मदरसों को बंद करवाया। ये है रिपोर्ट, मदरसों को नहीं केवल संस्कृत टोल को भी बंद करवाया, और जहां पर भी ये थे वहां पर पब्लिक सरकारी स्कूल अच्छे वो चालू करवाया। अभी किसी ने बोला केवल 2% बच्चे मुसलमान बढ़ते हैं मदरसों में, मदरसों के साथ साथ संस्कृत टोल भी बंद हुए। संगीत रागी हाउएवर ये नहीं बोल रहे कि ये वो है, ये है। संगीत रागी बोल रहे ठीक है, आधुनिक काल में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे अच्छा रहेगा। दूसरी बात आतंकवाद के विषय में, मान्यवर कौन है वो लोग? कभी आपने देखा है कि पांडे जी ने नक्सलियों की वकालत की हो धर्म के आधार पर? नहीं की होगी। परंतु कुछ लोग मुस्लिम हैं इसलिए अफजल गुरु को लटकाया गया, मुस्लिम है याकूब को लटकाया गया, ये MIM और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है। धर्म के आधार पर आतंकवादी जो घोषित है उनको बचाने का कुकर्म किसने किया है? भालचंद कांगो से एक सवाल लेता हूं। डॉक्टर भालचंद कांगो जी,
आखिरकार कब तक आप लोग पार्टी के आधार पर इस तरह से विरोध करेंगे? मुझे लगता है कि आपको कम से कम असम सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है ये। सीएए का कानून किसने पास किया? धर्म के आधार पर इस देश की नागरिकता तय करने का कानून किसने पास किया? भालचंद्र कांगो जी, समाज सुधार के लिए अगर कोई दल, कोई सरकार आगे आ रहा है तो आप कैसे विरोध कर सकते हैं? देश की सिटीजनशिप का तय करना यही राजनीति समझा जाता है। भालचंद्र कांगो जी लेफ्ट की जो विचारधारा है वो आज पूरी तरह से आप एक्सपोज कर रहे हैं। समाज सुधार का विरोध करके कैसे कर सकते हैं आप समाज सुधार का विरोध कर रहे हैं? बाल विवाह को जो रोकने के लिए अधिनियम को निरस्त किया गया उसका विरोध कर रहे हैं? फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देश हित में और समाज हित में अगर कोई सुधार किया जा रहा है तो राजनीतिक दलों को वोट बैंक के लिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जी न्यूज़।